आपके स्टूडियो में ऑडियो क्वालिटी हमेशा बेहतर होनी चाहिए। और ये ऑडियो क्वालिटी बेहतर कैसे होगी, तो सिर्फ अच्छा माइक ले लेने से काम नहीं चलता। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आपको अपने स्टूडियो में या फिर अपने रूम में या फिर अपने टीचिंग स्टूडियो में आपको इको किल करना पड़ेगा। अब इको क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो देखिए, इस रूम में अभी हमारा ऑफिस का काम चल रहा है और अब मैं जो भी बोल रहा हूं यहां पर मेरी आवाज गूंज रही है, इसे ही कहते हैं इको। तो अब आपको इको क्या है ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले हम एक स्टेप में चलते हैं जो है जुगाड़ वाला स्टेप, उसे समझते हैं। तो देखिए, अगर आपने अपना स्पेसिफिकली स्टूडियो बनाया है तो सबसे पहले कोशिश करिए आप अपने स्टूडियो में लगाइए कारपेट। मैंने ये कारपेट लगाया है। अब इस कारपेट के बारे में मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं। तो आइए, ये हमारा दूसरा स्टूडियो है, यहां पर भी हमने कारपेट लगाया है और ये कारपेट को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं एक बार कि ये कारपेट कैसा है। तो देखिए, ये जो कारपेट है पीछे से आप देखो थिकनेस भी इसकी अच्छी खासी है और ये आराम से कुछ 100 या 110 रुपए 120 रुपए स्क्वायर फीट आपको मिलता है। तो ये कारपेट लगाने से बहुत हद तक आपका इको किल हो जाता है। देखिए, हमारी जो टाइल्स होती है ना काफी ग्लॉसी होती है और ग्लॉसी होने की वजह से, या फिर बात करें कि पत्थर होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपकी आवाज जाकर टकरा के रिटर्न आ जाती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इको और कैसे किल होगा, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेंगे कर्टन्स। तो ये कर्टन्स भी आपको कैसे लगाएंगे, तो ऐसा वाला कपड़ा जो आपके साउंड को है ना एब्जॉर्ब करे, तो ऐसा लगाना है आपको। अब ये तो हो गई हमारे जुगाड़ वाली चीज़ें, और जुगाड़ के लिए और क्या कर सकते हो, तो टेबल रख दो। मैंने मेरे रूम में 2-3 टेबल रख रखे हैं, चेयर रखी हुई है, पैनल टंगा हुआ है, ये टंगा है, लाइटिंग लगी है, तो वैसे ऑलमोस्ट इको कम हो जाता है। बट अब परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, फिर भी आवाज आती ही है, थोड़ा बहुत रहता है, तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेरा है स्टूडियो है जहां पर मैं अक्सर अपने शूट्स करता हूँ है ना, तो उस वाले रूम में थोड़ा सा इको देखेंगे आप, इस वाले रूम में आप सामने चले जाओ, तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन अगर इको का चाहिए तो वो परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इन चीजों से किल होता है। ये एकॉस्टिक सॉल्यूशन है, ये साउंड प्रूफिंग सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने को इंडिया का बेस्ट बताते हैं वो बोलते हैं कि भाई साहब ये जो सॉल्यूशन है ये साउंड प्रूफिंग का सॉल्यूशन नहीं है। साउंड प्रूफिंग सॉल्यूशन अगर आपको एग्जैक्टली साउंड प्रूफ करने वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो मैंने ये जो वीडियो बनाया हुआ है ना, ये मैंने पूरा स्टूडियो बनाया, इसको डिटेल में देखना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो यहां पर आपको इस टाइप की एकॉस्टिक शीट है जो आपको लगानी पड़ेगी। देखिए, ये होती है एकॉस्टिक शीट है ना, और ये ब्लैक कलर की एकॉस्टिक शीट आप किस साइड पे लगाओ, जहां पे आपको कैमरा लगाना होता है। जैसे अगर मुझे यहां पे मैं सामने की दीवार पे शूट कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर कैमरा लगा दो। तो अगर सामने ब्लैक कलर की शीट लगाने से फायदा क्या होगा आपको, कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना मिलेगा, आपकी लाइट आपका फोकस बिल्कुल कैमरे पे रहेगा, फोकस नहीं भटकेगा। तो सामने ब्लैक कलर के यूजुअली स्टूडियोज में कर्टन लगाए जाते हैं, आप ब्लैक कलर की इस टाइप की शीट लगाइए। देखिए, ऐसी थिकनेस में आती है, ऐसे राउंड शेप में या पिरामिड शेप में आती है, तो ये सब चीजें आप इस तरीके से ये ले सकते हो। इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप हमें डायरेक्टली हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इसके लिए हमें कॉल कर सकते हो। तो जो अमेजोन पे काफी महंगा मिलता है, हम आपको बहुत बहुत सिस्टमेटिकली सस्ती कॉस्ट में, कम कॉस्ट में आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हो गया हमारा एकॉस्टिक सॉल्यूशन की बात। तो देखो, इस रूम में, ये पूरा रूम आप देखोगे, यहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियो शूट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एकॉस्टिक ट्रीटमेंट कराया हुआ है, मैंने साउंड प्रूफिंग नहीं कराई है। तो साउंड प्रूफिंग और एकॉस्टिक में फर्क समझिएगा आप, है ना। तो कोशिश ये करिएगा, इसके अलावा अगर आप नॉर्मल जुगाड़ से काम कराना चाहते हो तो आप गद्दे रख लो, या फिर देखो इस टाइप के पिलोज भी होते हैं जो प्रॉपर आप अपने जगह जगह पर रख के इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो देखो, इको क्रिएट होने का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, कि जब आपका रूम पूरा खाली होता है, आप जब भी किसी नए घर में जाते हो ना, तो आपको आपकी आवाज़ रिटर्न सुनाई देती है, तो यही इको है। अब इसको क्लीन करने का बेस्ट तरीका मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। जो परमानेंट एक्चुअल में जो ऑथराइज तरीका है वो ये है, इस तरीके से आप वाकई में इको कम क्रिएट कर पाएंगे। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोफेशनली अगर करना है, तो पहला ये और दूसरा नीचे का कारपेट। और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्क्रीन पे पूरे टाइम एक नंबर चल रहा था एजुस्कॉट का, आप हमें कभी भी किसी भी समय कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी स्टूडियो सेटअप, चाहे ऑनलाइन टीचिंग या पॉडकास्ट सॉल्यूशन, या फिर आप चाहते हो किसी भी टाइप का स्टूडियो, हम आपके लिए प्रोवाइड करके देंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।